हेलो दोस्तों, आज हम हैं इंदौर के जू में। बहुत ही प्यारा जू है, इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट जू इसको माना जाता है। स्टार्टिंग में इसके एक बहुत ही प्यारा सा फाउंटेन है। अभी हम टिकट लेके अंदर जाने वाले हैं। प्रति व्यक्ति की टिकट है यहाँ पर सिर्फ 20 रुपये। 20 रुपये में आप पूरा जू घूम सकते हो। लेकिन यहाँ पे अंदर स्नेक पार्क भी है जिसका टिकट है 5 रुपये अलग से आपको देना होता है। ये इतना क्लीन जू है तो मैं इसको बोलना चाहूंगा कि इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट जू बोलना चाहूंगा इसे। हम आगे देखेंगे, बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें हैं यहाँ पे, बहुत प्यारे प्यारे एनिमल्स हैं। मुझे जू का जो अट्रैक्शन है ना वो एक ही लगा सबसे बेस्ट, कि वो है यहाँ पे व्हाइट कलर के मुझे मोर देखने को मिला है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करके ही जाइए। ये देखिए व्हाइट मोर आ चुके हैं, बहुत ही प्यारे मोर है ये व्हाइट मोर। अगर आप इनको रियल लाइफ में देखते हैं ना बहुत प्यारे है। फिर जब भी आप इंदौर आएंगे तो इंदौर के जू को विजिट करना ना भूलें, बहुत ही बढ़िया अट्रैक्शन है ये टूरिस्ट का। यहाँ बच्चे भी बहुत परेशान करते हैं मोर को। ध्यान से देखिएगा, ये जो पानी में छोटी सी चीज नजर आ रही है ये कछुआ है। यहाँ वीडियो में आपको एक दो ही कछुए दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में बहुत सारे कछुए एक ही जगह छोटे से जगह पर रखे गए हैं। दोपहर का समय है तो सारे जानवर अधिकतम सोते रहते हैं इस समय। ये देखिए भालू भी सो रहे हैं, तीनों भालू हैं यहाँ पे, तीनों भालू सो रहे हैं। हाथी इतना प्यारा है, थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि डांस कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये डांस नहीं कर रहा है। अगर आप देखेंगे इसके लास्ट वाले पैर में तो उसको बांध के रखा गया है पिलर से, क्योंकि इसके आजू बाजू का कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है। देखिए ये बोल रहा है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन उसको छोड़ भी नहीं सकते कि जब तक कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो जाता। उसके पीछे वाले पैर में एक रस्सी बांध के रखी है, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे। यहाँ बस, लेकिन ये बहुत छोटा हाथी लग रहा है मुझे, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ये आ गया जाए, एक सो रहा है, घूम रहा है, इनकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हैं। हिरण खूब सारे हैं यहाँ पे देखने में, बल्क में देखने में मिलते हैं आपको दर्जनों में यहाँ पे। बस मेरे आने से 5 मिनट पहले ही इन्हें ये घास दी गई है खाने के लिए। और ये शेर, कुछ 3 शेर है जो ऊपर सो रहे हैं और एक इधर घूम रहा है। ऊपर शेर भी है यहाँ पे जो कि मुझे सोते हुए दिखा, और उसका वीडियो मैं बना नहीं पाया, बहुत ज़्यादा दूर था वो, जो कि कैमरे में कैप्चर ही नहीं हो पाया। मगरमच्छ को देखिएगा, ये बहुत कार्टून मगरमच्छ है, इसके पीछे एक और मगरमच्छ है। ऐसा लग रहा था कि दोनों आउट आउट खेल रहे थे, पहले ये सामने आया, फिर तीसरा एक और सामने आया थोड़ा। तो जैसा पहला वाला सामने गया तो वो सामने गड्ढे में धबाक से गिर गया। इस जो गड्ढे में अभी मगरमच्छ गिरा है यहाँ हमेशा पानी भरा होता है, लेकिन अभी अभी इसकी सफाई हुई है, सो इसका पानी निकाल दिया है, इसलिए बेचारा गिर गया उस पर। ये वाइट पता कितने प्यारे लग रहे थे। फाइनली लव बर्ड्स आ चुके हैं यहाँ पे। बर्ड्स की आपको बहुत सारी प्रजातियाँ देखने को मिल जाएंगी। मैंने काफ़ी बर्ड्स का वीडियो बनाया नहीं है, ये मुझे दो अच्छे लगे, मैंने इनका वीडियो बनाया।